दोस्तों, ये है जी हमारा डिफेन बाजिया। देख रहे हैं आप, पत्ते हैं इसके, ये हमारे पास रखे हैं जी पांच पौधे। एक आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, और एक आप देख सकते हैं कुछ पत्ते पीले हो गए हैं इनके, लेकिन कोई बात नहीं, पत्ते हम इनके तोड़ते रहते हैं और नए नए पत्ते आप देख सकते हैं ऐसे ही इनके निकलते रहते हैं। देख रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं इनकी ये हालत ऐसी क्यों हो गई है। एक तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जब गर्मी होती है तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जल जाती हैं। देख रहे हैं आप, जैसे सिकुड़ सी गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि हमारे हैं जी पांच, एक छोटा और है जी, हमारे पास हैं जी छह टोटल, तो छहों को हम इस बड़े वाले ग्रो बैग के अंदर लगा देंगे, ठीक है। और जब ये थोड़े घने हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो हम इनकी प्रोपगेशन करेंगे। वो क्या करेंगे जी, हम इसको यहाँ से काट के, ठीक है, इनके नए प्लांट करेंगे जी तैयार, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लांट बनाए जी इनके, और ये एक ही प्लांट था। एक प्लांट से आप देख सकते हैं हमने छह प्लांट बना लिए हैं, ठीक है। चार आप देख सकते हैं ये रहा, एक आप देख सकते हैं ये रहा, ये भी हमने कटिंग से लगाया था, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं ग्रो कर रहा है, एक आप देख सकते हैं ये छोटा वाला, ठीक है, ये भी हमने कटिंग से लगाया था, लेकिन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इन गर्मियों की वजह से आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों की ये हालत हुई है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और ओवर वाटरिंग भी आप इसकी ना करें, गर्मी का मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर खूब भर भर के डालें जी पानी, ज़्यादा भर के ही पानी डालेंगे या बिल्कुल अंधेरे के अंदर इसको रखेंगे जी, इंडोर प्लांट भी आप इसको रखते हैं, ठीक है, तो भी इसकी पत्तियां हो सकती हैं जी ख़राब, ठीक है। तो आज तो पहले इन सब छहों प्लांट को हम इस बड़े ग्रो बैग के अंदर लगाएंगे जी, 12x12 इंच का है जी ये हमारा ग्रो बैग। तो इन सबको निकालते हैं जी एक एक करके, इसको निकाल दिया है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम लगाएंगे जी इस साइड के अंदर, इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। दूसरा भी आप देख सकते हैं कि हमने इसको लगा दिया है, देख रहे हैं आप। तीसरा भी आप देख सकते हैं ये इसकी फुल्ली डेवलप रूट, ठीक है। तो इसको भी हम रख दे देंगे जी सेंटर के अंदर, देख रहे हैं जी हमारे छः के छः। मैं आपको दिखा देता हूँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप इनकी देख सकते हैं रूट भी अच्छी खासी डेवलप हो गई हैं, ठीक। हमने इन्हें मिट्टी अच्छे तरीके से भर दी है। अब आप इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे जी, तो मिट्टी इसको चाहिए जी फुल्ली वेल ड्रेन, अगर इसके अंदर पानी ठहरता है, ठीक है, तो इसकी जो जड़ें हैं गल सकती हैं, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं ये तना भी यहाँ पर फंगस लग सकता है, तो मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके अंदर मिलाना है नहीं रेता, कंस्ट्रक्शन रेत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आपको उसके अंदर मिलाना है, जो चमकीली चमकीली वाली जो होती है रेत, वो मिला दें आप इसके अंदर। मिट्टी ले लिया 50%, उसके अंदर आप मिला दे दी रेत और गाय के गोबर की खाद, ठीक है। और चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत कोकोपीट भी मिला सकते हैं। अब इनको एक एक करके इसके अंदर लगाते हैं, सेटल करते हैं, फिर इसके ऊपर मिट्टी भर के इसको करते हैं जी तैयार। हमने छह अपने प्लांट इस बड़े वाले ग्रो बैग के अंदर लगा दिए हैं। इनको लगाने का मकसद यही था कि हाँ जी एक साथ, कि एक तो छह प्लांट के अंदर लगे थे, जगह ज़्यादा घेर रहे थे, तो हमने चाहा कि भैया हम इनको एक ही प्लांट के अंदर लगा देते हैं, यानी कि एक ही ग्रो बैग के अंदर, ठीक है। और लगाने के बाद आप इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल दीजिए पानी। अब आपको उसका ध्यान रखना है जी इसकी खाद का, ठीक है जी। खाद अगर आप इसको साल के अंदर बता रहा हूँ, 2 से 3 बार भी डाल देंगे, यानी कि हर 3 महीने बाद भी अगर इसके अंदर खाद डालेंगे, सिर्फ गाय के गोबर की खाद, ठीक है, क्योंकि इसके पत्ते की ग्रोथ होती है, पत्तों की ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड इसके अंदर खाद डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बनी रहेगी, ठीक है जी। और दूसरी बड़ी बात है जी इसकी लोकेशन की, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त रखती है जी मायने। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो पत्ते जल जाएंगे, जैसे गर्मी चल रही है जी, जून है जी आज, और जून की है जी हमारी 9 तारीख, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल तपती हुई धूप के अंदर ऐसे ही इसको नहीं छोड़ देना है। अगर आपके पास बड़े बड़े पौधे हैं, ठीक है, ऐसे पौधे हैं, ठीक, तो आप इसको शेड के अंदर रख सकते हैं। शेड के अंदर रखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी, तो उसकी जो शाइनिंग भी बरकरार रहेगी, इसकी ग्रोथ भी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी तो हमने इनको छः को लगा दिया आपके साथ, फिर वक्त रहते हैं इसको दोबारा हम करेंगे जी शेयर के क्या इनकी ग्रोथ बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे जी ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर धूप नहीं आती, डायरेक्ट छत के ऊपर ना ही रखें, ठीक है, खिड़की के पास लगा दें तो बहुत अच्छा है,
बालकनी के अंदर आप लगाएं, ठीक है। सुबह सुबह की अगर थोड़ी सी बहुत धूप इसको पड़ जाती है जी, आधे घंटे की पौन घंटे की, तो भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा जी, ठीक है। ग्रेवी हमने इसको थोड़े दिन के लिए रखेंगे जी, यहाँ पर खिड़की है जी हमारी, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट इसके ऊपर धूप तो नहीं पड़ेगी, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी रहेगी जी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको इस जगह पर लगा दिया है जी, पानी भी हमने इसके अंदर डाल दिया है जी, ठीक है। और हम आपको अपडेट देंगे जी कुछ टाइम के बाद इसकी।